नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक टर्न आउट हुआ है। बट बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो स्टार्ट करने से पहले मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर एंड एज अ प्राइमर। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एलोवेरा जेल मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी एंड अच्छी तरह मसाज कर लूँगी ताकि जो भी पोर्स है मेरे फेस पे वो अच्छी तरह फिल आउट हो जाए एंड मुझे एक स्मूथ बेस मिले फॉर द मेकअप। ओके, वंस आई एम डन विद दिस आई एम गोइंग टू यूज़ द करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर जो मैं यूजुअली हमेशा यूज़ करती हूँ। बाय द वे गाइस, बहुत ही जल्दी इसका एक रिव्यू आने वाला है। NYB का क्रीम यू नो स्टिक करेक्टर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एंड इसका एक रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है। एक्चुअली वही मैं शूट कर रही थी, आप देख सकते हो कुछ क्लिप्स है यहाँ। सो करेक्टर यूज़ करना गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके अंडर आइज़ में पिगमेंटेशन है अराउंड द माउथ एरिया, नोज़ एरिया, अगर आपका पिगमेंटेशन है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है। एंड उसके ऊपर जब हम कंसीलर या फिर कोई भी बेस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे देन वी विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल फिनिश एंड बिल्कुल भी ना वाइट एक कास्ट नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंस आउट कर देता है जितना भी पिगमेंटेशन है हमारे फेस में उसको। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम ऑफ पॉन्स एंड माई शेड इज ओरिजिनल 01। ओके, इसे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी एंड आपने देखा है हैंड से मैं यूजुअली बीबी क्रीम को या फिर सीसी क्रीम को अच्छी तरह ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। आई डू नॉट लाइक यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्पंज और ब्रश वाइल ब्लेंडिंग बीबी क्रीम और सीसी क्रीम। आपको अच्छा वाला कवरेज मिल जाता है इससे, ठीक है। ओके, आप देख सकते हो थोड़ा सा पैट पैट करके हम इसे अप्लाई करेंगे। मेक श्योर गाइज ड्रैग मत कीजिए प्रोडक्ट को, पैट कीजिए अपने फेस पे ताकि अच्छी तरह जहाँ पे हमने प्रोडक्ट लगाया है वहाँ पे वो प्रोडक्ट रहे। थोड़ा सा अंडर आईज़ एंड अराउंड माई माउथ एरिया थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी एंड इसे अच्छी तरह फिर से ब्लेंड कर लूँगी विथ माई फिंगर्स, ठीक है। आप यहाँ पे रिंग फिंगर यूज़ करो स्पेशली अराउंड द आई एरियाज ताकि अच्छी तरह प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाए। इसके बाद इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन का कॉम्पैक्ट एंड ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी। बहुत गर्मी था गाइज एंड आई फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आई शुड यूज़ अ ब्रश टू अप्लाई द पाउडर। इससे क्या होगा थोड़ा सा ड्राई रहेगा मेरा मेकअप, ठीक है। ओके, अच्छी तरह इसे अप्लाई कर लेने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी विथ बेसिकली माई आई मेकअप। सो आईब्रोज को फिल करूँगी विथ लैक्मे आईलाइनर पेंसिल एंड बिल्कुल अपने आईब्रोज का जो शेप है उसे फॉलो करूँगी। लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली आईब्रोज तो बनाने का टाइम नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि अगर फेशियल रजर से कुछ कर लूँ, बट एनीवेज आई एम फिलिंग माय आईब्रोज नाइसली एंड बिल्कुल नेचुरल रखूँगी, बिल्कुल भी ज़्यादा ओवरडू नहीं करूँगी, आप देखोगे। सो माय आईब्रोज आर डन एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस शेड। ओके, अपने आईलिड्स को सेट करने के लिए ये जो स्किन शेड है दिस इज़ द जैकलिन हिंट पैलेट एंड यहाँ पे ये जो स्किन शेड है उसे अप्लाई करूँगी ऑल ओवर माय आईलिड्स ताकि क्रीज लाइन या फिर जो हमने बेस प्रोडक्ट यूज़ किया है ना यहाँ पे वो मेसी ना हो जाए, ठीक है। उसे सेट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउन शेड, बिल्कुल हल्का वाला ब्राउन शेड है एंड इसे अच्छी तरह अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी एक डेप्थ देने के लिए आईज़ को एंड जो भी मैं आई मेकअप नेक्स्ट करूँगी ना वो बहुत ही अच्छी तरह पॉप आउट होगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो कोरल पीची टाइप का एक शेड है, थोड़ा सा ऑरेंजी टाइप का, पूरी तरह ऑरेंज भी नहीं है, ऑरेंजी पिंकिश पीची टाइप का शेड है, वही अप्लाई करूँगी विद अ एंगुलर फ्लफी ब्रश एंड इसे आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा आउटर वी पे अप्लाई करूँगी एंड क्रीज लाइन को और थोड़ा सा रिफाइन करूँगी। ऐसा करने से क्या होगा, हम जो भी कलर्स इसके बाद अप्लाई करेंगे ना लिड पे वो बहुत ही अच्छी तरह पॉप आउट होगा एंड प्रॉपर तरीके से ग्रेडेशन लगेगा। ओके, वंस आई एम डन आई एम यूजिंग दिस ग्लिटरी थोड़ा सा शाइनी टाइप का एक कोरली ऑरेंजी शेड है। बेसिकली ये पूरी तरह ऑरेंज शेड है बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा शाइन टाइप का कुछ है। आप देखोगे जब मैं आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी ना कलर बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट होगा।
बहुत ही थोड़ा सा शीन है इसमें। आपको शायद लग रहा होगा कि ये मैट है, बट आप देखो जब मैं अप्लाई करूँगी, देखो हल्का सा एक शाइन है इसमें, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम अप्लाइंग हियर। ये वाला जो मेकअप लुक मैं करूँगी, आप इसे बर्थडे पार्टी या फिर घर में अगर कोई छोटा मोटा कोई फंक्शन वगैरह हो तो आप इसे ईजिली कैरी आउट कर सकते हो, ओके। एंड बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है, बट बहुत ही गॉर्जियस लगेगा। अपने फिंगर्स की हेल्प से मैं इसे पूरे लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ एंड उसे ब्लेंड करूँगी। वंस आई एम डन ब्लेंडिंग इट, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है एंड जहाँ पे मैंने ये जो ऑरेंज शेड एंड शाइनी शेड लगाया था उस जगह पे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नेक्स्ट लूँगी जैकलिन हिल पैलेट से ये वाला ब्राउन शेड एंड आई एम यूजिंग इट। अब देखो मैंने ब्रश को थोड़ा सा उल्टा पकड़ा है ताकि मैं अपर साइड ऑफ माय क्रीज थोड़ा सा अप्लाई कर लूँ, ताकि ये थोड़ा सा ब्लेंडेड लगे, ओके। एंड क्रीज लाइन भी थोड़ा सा और डिफाइंड हो जाए। वही ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी ऑन माय लोअर आईलिड्स एंड ये हिलरी रोडा पैलेट से जो मैंने ऑरेंज शेड यूज़ किया था वो अप्लाई करूँगी। यू नो आई विल जस्ट मिक्स दिस टू कलर्स ताकि अपर लिड्स एंड लोअर लिड्स बिल्कुल मैच कर जाए, ठीक है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डन एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा आई मेकअप कितना सिंपल लग रहा था। अब देखो गाइस कितना ज़्यादा अच्छी तरह ब्लेंडेड लग रहा था बोथ ऑफ माई आईज़, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम इसमें देना है ब्लेंडिंग में। नेक्स्ट टाइम यूजिंग इज़ दिस आई ड्रामा काजल फ्रॉम L18 एंड लोअर आईलिड्स पे हाफ ऑफ माई लोअर आईलिड्स, नॉट फुल, हाफ ऑफ माई लोअर आईलिड्स में इसे अप्लाई करूँगी। डार्क करके अप्लाई करने वाली हूँ एंड ऑल्सो ऑन माई अपर आईलिड्स थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी, ओके। ये थोड़ा सा आपको शायद लग रहा हो कि कैसे अप्लाई करना है, आपको आईज थोड़ा सा अगर क्लोज करोगे ना तो ईजिली अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट टाइम यूजिंग इज लैक्मे इंस्टा लाइनर एंड बहुत ही सिंपल स्लीक टाइप का एक लाइनर ड्रॉ करूँगी, बिल्कुल भी टफ कोई भी यू नो बोल्ड आई लाइनर या फिर ऐसा कुछ भी नहीं ड्रॉ कर रही। बहुत ही सिंपल येट ब्यूटिफुल सा लुक टर्न आउट होगा एंड स्पेशली यू नो कोई घर में अगर पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है, ये वाला जो लुक है ना ये अब बहुत ही ईजीली बेहद जल्दी आप इसे क्रिएट कर सकते हो, ओके। वंस आई एम डन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक छोटू सा ट्रिक शेयर करूँगी जिससे ये जो आई मेकअप लुक है ये बिल्कुल बदल जाएगा, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। आप देखो नीचे के आईलिड से मैं थोड़ा सा पुल करके एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ। आपने देखा, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही स्लीक सा मैंने विंग ड्रॉ किया है एंड काजल की हेल्प से जस्ट दोनों को ब्लेंड कर रही हूँ एंड जस्ट लुक एट इट गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, दिस इज़ एक्चुअली मैं यही यूज़ करती हूँ, दैट इज़ लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा एंड लोअर आई लैशेज पे एंड अपर आई लैशेज पे अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इज़ दिस ब्राउन शेड फ्रॉम सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट एंड थोड़ा सा अपने फेस को चिजल आउट करूँगी। अगर आपको ज़रूरत है आप यूज़ करो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यू नो मेरा फेस थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो आई यूजली लाइक टू कॉन्टूर माई फेस नाइसली, ठीक है। यहाँ पर आप देखो गाइज बहुत ही मैंने थोड़ा सा कॉन्टूर किया है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इज़ दिस ब्लश, यू नो पूरा पिंक शेड है ये जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, पिंक शेड अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी एज अ ब्लश। आईज़ मैंने ऑरेंज रखा था सो आई थॉट कि यू नो कोरली कुछ रखूँगी तो एक मोनोग्राम टाइप का कुछ क्रिएट हो जाएगा सेम टाइप ऑफ, सो आई केप्ट इट लिटिल पिंकिश टाइप का एक ग्लो रहेगा आपके फेस पे। एंड यहाँ पे मैं सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट का जो हाइलाइटर शेड है वो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा चंकी टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी गाइज इट इज़ द पैलेट फ्रॉम जैकलिन हिल पैलेट, ओके। और एक बात, मैंने एक ब्लश अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए इसे जो मेरा स्पॉन्ज है ब्यूटी ब्लेंडर है उसके हेल्प से थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, ओके। जो मैं कह रही थी जैकलिन हिल पैलेट से आप ये
ये जो आपने देखा एक शाइनी सा शेड, वही अप्लाई कर रही हूँ एज माय हाइलाइटर एंड इट वाज अ बॉम्ब. लाइक आई रियली रियली लव्ड इट. आप देखो गाइस, एक बहुत ही हल्का सा बिल्कुल शाइन आएगा, नेचुरल लुक देगा आपको. एंड स्पेशली जब मैं आईब्रोज आई बोन पे अप्लाई करूँगी ना, तब आप देखो कितना ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ ये. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया. ठीक है, मुझे बिल्कुल भी चंकी टाइप का हाइलाइटर से ज़्यादा यू नो ये सिंपल वाले जो बिल्कुल एक नेचुरल सा ग्लो देंगे वो ज़्यादा पसंद आता है. थोड़ा सा इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज, ब्रिज ऑफ माई नोज के ऊपर, वो हर जगह पे अप्लाई करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी शार्प ना लगे. ये है लैक्मे से, लैक्मे 925 जो सीरीज़ है ना, उसमें से ये शेड है बाउंटीफुल ब्लश. ये एक ड्यूप है एंड अगर मुझे कुछ मिलता जुलता शेड मिलता है इसके साथ, मैं आपको लिंक दे दूँगी. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये वाले जो मल्टी कलर ईयर स्टड्स है समवॉट वो अप्लाई करूँगी एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक. बाय द वे वो स्टड्स मैंने लोकल मार्केट से, एक्चुअली ट्रेन से, लोकल ट्रेन से ख़रीदा था ओनली फॉर 20 or 30 रुपीज़. बहुत ही ब्यूटीफुल था. एनीवेज आप देख सकते हो हेयर स्टाइल पर मैंने थोड़ा सा अपने हेयर को रोल किया है एंड पीछे फ्लिप क्लिप की हेल्प से लगा दिया है. दैट्स इट. एंड आई की केप्ट माई हेयर ओपन. बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू विल लाइक द वीडियो.